नमस्कार दोस्तों, गुरानी लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएलसी टर्मिनल एप्लीकेशन में एक नया अपडेट दे रहा हूँ। जो फायर टीवी हैं, जो ओनिडा में एमआई में फायर स्टिक इनबिल्ड होके आ रही हैं, उसे रिकवरी मोड पे लेके जाना। मैंने बहुत से अलग अलग टिप्स और टूल्स इस्तेमाल करके देखे, जैसे रिमोट से उसे अपडेट करना या उसे फैक्ट्री रिसेट मोड पे लेके जाना। वो सारे फंडे मुझे फिर से इस सेट में भी कोई काम में नहीं आए। आखिरी में मुझे मेरा जीएलसी टर्मिनल एप्लीकेशन अपडेट करना पड़ा। जैसे हम जीएलसी टर्मिनल एप्लीकेशन अपडेट देखते हैं, वर्जन 5.2.1, तो यहाँ पर उस बोर्ड में एम्बलॉजिक प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर मैं एम्बलॉजिक प्रोसेसर का सेटिंग इस्तेमाल करते हुए जाता हूँ, तो मुझे सीरियल प्रिंट कुछ अलग तरीके की दिखेगी। जैसे अभी ये सीरियल प्रिंट में देख रहा हूँ, वो कुछ अलग तरीके की आ रही हैं, जो समझ के बाहर हैं। तो यहाँ पर एक नया अपडेट दिया गया है। फायर स्टिक सॉफ्टवेयर जो फायर टीवी के नाम से दिया जा रहा है हमारे एंड्रॉयड सेटों में, उसके लिए एक सेपरेट बटन डिज़ाइन किया गया है। मैंने इसे ओनिडा में चेक किया है, मेरे पास में सबसे पहले यही एक टीवी आया, और जो अमेज़ॉन फायर स्टिक हैं उसके ऊपर भी मैंने ये चेक किया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस बदले गए हैं। जैसे हम नॉर्मली एंड्रॉयड टीवी में जो कंसोल एंटर करने के बाद में फंक्शंस देखते थे, वो यहाँ पे आपको एरर दिखाएंगे। रिकवरी का कमांड आपके लिए सही काम में आएगा। जैसे मैंने ये अमेज़न फायर स्टिक सिलेक्ट किया हुआ है अभी, तो यहाँ पे सिर्फ रिकवरी के जो दो कमांड्स हैं वही वो फायर स्टिक मॉडल में काम में आ सकते हैं। बाकी के कमांड्स अगर इनेबल हैं उस सेट के लिए, तो आप उसे परफेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। अब मेरा सीरियल प्रिंट पॉइंट यहाँ पर ओके आ रहा है, कोई एरर नहीं दिख रही है। कंसोल एंटर करने के लिए मुझे सेट ऑन कंडीशन में जब है स्टैंड बाय मोड पे, उसके बाद में कंसोल बटन सिलेक्ट करना है और पावर ऑन स्टैंड बाय रिलीज करना है। ये तरीका एमलॉजिक प्रोसेसर के लिए है, एमआई के टीवी में भी यही प्रोसीजर से आप कंसोल में जा सकते हो। तो अभी यहाँ पे जो भी कमांड्स हैं वो इस सेट में ब्लॉक करके रखे गए हैं, यहाँ पर आपको वो कोई काम में नहीं आएंगे। ये डिज़ाइनर के ऊपर डिज़ाइन डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी फैसिलिटी दे। तो यहाँ पर जो रिकवरी कमांड है फैक्ट्री रिसेट का, वो एकदम सही काम करता है, और आपका जो कंसोल एंटर में जाते हुए रिकवरी करने का जो काम है वो बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे कि अभी इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से ये कंसोल एंटर ओके हुआ है और रिकवरी कमांड्स लेते हुए हमारा टीवी को रिकवर करके देता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहे गुरानी लर्निंग सेंटर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।